हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स जो है, ठीक है, बीए इंग्लिश का आज सेमेस्टर टू का है, जिसमें हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में से जयंत महापात्रा का लाइफ एंड वर्क को देखेंगे। जयंत महापात्रा का लाइफ एंड वर्क आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? BBMKU, ठीक है, BBMKU। और एक आपका VBU भी है, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो है, इनका भी और बीबीएम के दोनों का, मतलब ये दोनों का जो सिलेबस है सेम है, ठीक है। तो दोनों आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इनका चलिए लाइफ एंड वर्क को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में जाकर के आप ले लीजिएगा। और फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि जयंत महापात्रा जो है वो इंडियन इंग्लिश पोइट है, और वो फर्स्ट इंडियन पोइट है जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री में साहित्य अकादमी अवार्ड जो है जीता। उनका कुछ फेमस पोएम है जिसमें से इंडियन समर है और हंगर है। इन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश में जो ना क्लासिक वर्क के रूप में देखा जाता है। इनके अलावा इन्हें पद्मश्री भी मिला है, जो कि इंडिया का फोर्थ, ठीक है, इंडिया का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और ये इन्हें 2009 में मिला था, जो कि किसी टॉलरेंस के कारण, ठीक है, इन्होंने इसे 2015 में रिटर्न कर दिया था। फिलहाल ये सब अलग बात है। चलिए हम लोग को क्या क्या पॉइंट इनमें से याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए बात करते हैं उनका अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इजीली आप इसे याद रख सकते हैं। कॉपी भरने में इनका कोई दूसरा वर्क भी अगर मिल जाता है ना, तो उसमें कॉपी भरने में ये सब काम आता है। आपको थोड़ा बहुत बायोग्राफी देना पड़ता है लेखक का। जयंत महापात्रा का जन्म जो है वो 22 अक्टूबर 1928 में हुआ था, और प्रेजेंट टाइम में अभी ये अलाइव है। इनका जो जन्म था वो उड़िया क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, यानी उड़ीसा के, उड़िया जो है उड़ीसा के जो मतलब वहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है, क्रिश्चियन फैमिली में इनका जन्म हुआ था। पेरेंट्स का नाम है लेमुअल महापात्रा और माता का नाम था इनका सुधांशु बाला दास। ये माता पिता इनके पेरेंट्स हैं। इनका जो एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन इनका कटक यानी ओडिशा के एक स्कूल से हुआ था, एस्टेवर्ट स्कूल कटक, ठीक है, जो कि ओडिशा में ही है। और इनका जो हाईएस्ट एजुकेशन था वो एमएससी की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है, फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में प्राप्त किया था, और वो था पटना यानी बिहार से। और उनके बाद इनका जो करियर स्टार्ट होता है वो एज अ लेक्चरर स्टार्ट होता है, ठीक है, एज अ प्रोफेसर स्टार्ट होता है, फिजिक्स के लेक्चरर है वो, ठीक है। 1949 में मतलब अपना करियर एज अ लेक्चरर स्टार्ट किया था इन्होंने, और बहुत सारे कॉलेजों में इन्होंने पढ़ाया है जो कि उड़ीसा का ही है, जिनमें से कुछ कॉलेज के मैंने यहाँ पे नाम मेंशन किया है। आप यूट्यूब में और यूट्यूब वगैरह में इसके अलावा गूगल में जाकर के सर्च करके, ठीक है, लिख सकते हैं इन सबको, या फिर दो चार नाम एडिट कर लिखने के बाद आप एटीसी का यूज कर सकते हैं। एडीसी और भी बहुत सारा कॉलेज है, सब याद रखने का जरूरत नहीं है। एक दो कॉलेज का नाम आप यहाँ पे याद रखना, कुछ कॉलेज का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ये कॉलेज है जहाँ पे इन्होंने अपना सेवा, ठीक है, दिया है। उसके बाद जो है ये रिटायर होते हैं अपने गवर्नमेंट सर्विस से एज अ रीडर, फिजिक्स के रीडर के रूप में रिटायरमेंट वो लेते हैं 1986 में। और उसके बाद इनका राइटिंग करियर स्टार्ट होता है, यानी आप समझ सकते हैं कि इन्होंने अपना राइटिंग करियर जो है वो काफी लेट स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी वो काफी ज्यादा फेमस हुए, और काफी लेट यानी इन द लेट 16th, ठीक है, बुढ़ावस्था में इन्होंने अपना राइटिंग, बुढ़ावस्था ही है, इन्होंने अपना राइटिंग का करियर जो है उसका इन्होंने शुरुआत किया। इन द बिगिनिंग, शुरुआती तौर पर हिज पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज वेयर रिजेक्टेड बाय सेवरल पब्लिशर्स, ठीक है, शुरू 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 में ये जो पोइट्री या जो प्रोज लिखे थे तो कुछ पब्लिशर थे, कुछ पब्लिशर इंडिया के मोस्ट ऑफ द पब्लिशर जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया इसे लिखने से। मे भी हो सकता है इनके टैलेंट को नहीं पहचाना होगा उन लोगों ने, इनके वर्क को नहीं समझा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, इनका जो वर्क है वो इंटरनेशनल लिटरेरी जर्नल में फेमस होता है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे इनका फेमस होता है। और उसके बाद फिर इंडियन पब्लिशर जो है वो फिर इनके जो वर्क है उसको छापने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। ही वॉज इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम एट लोवा।
लोवा में एक इंटरनेशनल राइटिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ था और वहां पे इन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था, विच मेड हिम इंटरनेशनली फेमस, और जो कि इसे इंटरनेशनली फेमस बना दिया। और उसके बाद तो फिर पब्लिशर इनके वर्क को छापने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं इनके लिटरेरी वर्क के बारे में। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीजें लिखना है, मतलब क्या क्या याद रखना। महापात्रा रोट 27 बुक्स ऑफ पोएम्स इन ऑल, ठीक है, 27 बुक्स वे लिख चुके हैं पोएम्स के, उनमें से 7 जो है वो उड़िया में है, ये भाषा है जो कि उड़ीसा में बोली जाती है, और बाकी के जो बुक्स हैं वो इंग्लिश में हैं। हिज पोएट्रीज वॉल्यूम्स, जो पोएट्री का जो वॉल्यूम्स है उसमें से इंक्लूडेड है रिलेशनशिप, शेडो स्पेस, बियर फेस। ठीक है, तो ये इनके पोएट्री के वॉल्यूम्स हैं। इसके अलावा बहुत से प्रोज के भी बुक इन्होंने लिखे हैं, जिनमें आपका ग्रीन गार्डनर, ठीक है, और ग्रीन गार्डनर, इसका पूरा नाम है ग्रीन गार्डनर एन एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उसके बाद है आपका डोर ऑफ पेपर, ठीक है, पूरा नाम है डोर ऑफ पेपर एसे एंड मेमोरीज, तो ये कुछ प्रोज के भी उनका पुस्तक है। उसके बाद है महापात्रा इज ऑल्सो अ पॉपुलर एडिटर, वो एडिटर भी रह चुके हैं। ब्रिंगिंग आउट लिटररी मैगजीन, इनका एक लिटररी मैगजीन भी निकलता था जिसका नाम था चंद्रभागा। ठीक है, ये चंद्रभागा इनका लिटररी मैगजीन है, आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत इंटरनेट में देख सकते हो, इसका कुछ पेपर वर्क अमेजन में भी अवेलेबल है। ये ईयरली है, ये ईयरली मैगजीन है, यानी सालाना ये पब्लिश होता था, मतलब सालाना ये प्रकाशित होता था, जिसमें लिटररी वर्क के बारे में दिया हुआ होता था। ठीक है, हिज पोएम्स हैव प्रिपर्ड अपीयर्ड सॉरी हिज पोएम हैव अपीयर्ड इन प्रेस्टिजियस पोएट्री एंथोलॉजीज लाइक द डांस ऑफ द पीकॉक, ठीक है, एन एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम इंडिया। तो ये इनका एक पोएट्री का वॉल्यूम है, मतलब संग्रह है, जिसमें बहुत सारा पोएट्री इसमें दिया हुआ है, इसमें इसके सारे प्रेस्टिजियस पोएट्री जो है वो इसमें अवेलेबल है। ठीक है, द डांस ऑफ द पीकॉक में। अच्छा, ये जो पब्लिश किया गया था वो हिडन ब्रॉक प्रेस के द्वारा इसे मतलब छापा गया था, जो कि एक कनाडा का पब्लिशर है। महापात्रा ऑल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम उड़िया इंटू इंग्लिश, ठीक है, तो जो उड़िया है उसे इंग्लिश में, कुछ ऐसे वर्क भी हैं जो कि इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है उड़िया से इंग्लिश में। कुछ एंथोलॉजीज ऑफ हिज ट्रांसलेशन आर पब्लिश्ड इन द बायो मंथली लिटररी मैगजीन इंडियन लिटरेचर। तो कुछ ऐसे मतलब क्या करते थे, ये कुछ उड़िया में कुछ ऐसे भी पोएट्री होते थे या फिर वर्क होते थे जिसको ये अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे, और वो ट्रांसलेशन जो था वो पब्लिश होता था बायो मंथली लिटररी मैगजीन में। ठीक है, बायो मंथली लिटररी मैगजीन, ये मैगजीन है जो कि बायो मंथली का मतलब होता है दो माही। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक होता है आपका डेली न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है, मतलब पेपर हो गया, फिर वीकली होता है, मंथली होता है, तो ये बायो मंथली है यानी दो माही है। ठीक है, मैगजीन में ये जो इनका जो ट्रांसलेशन वाला जो वर्क होता था वो पब्लिश किया जाता था। जयंत महापात्रा पोएम आर मोस्टली डिस्क्रिप्टिव, आपको ये जो पॉइंट होगा ना ये सब आपको याद करना होगा, जो कि बहुत ही काम आएगा जयंत महापात्रा के लाइफ एंड वर्क में। और उसके बाद इसका कोई भी मतलब वर्क आप अगर डिस्क्राइब करें तो उसमें ये सब आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, क्या लिखोगे, तो महापात्रास पोएम्स आर मोस्टली डिस्क्रिप्टिव, इसका जो भी वर्क होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और पिक्टोरियल होता है। पिक्टोरियल का मतलब होता है आपका पिक्चर वाला, कुछ पोएट्री ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऐसे ऐसे शब्द या वर्ड्स या फिर लाइन यूज किया जाता है जो एक इमेज क्रिएट करता हो, आपके माइंड में एक इमेज बनाता हो। ठीक है, तो इनका जो पोएट्री है वो पिक्टोरियल या डिस्क्रिप्टिव होता है। वी कैन सी पिक्चर ऑफ जगन्नाथ पुरी, जगन्नाथपुरी द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथा, द सी एंड द सी बीच ऑफ पुरी इन हिज पोएट्री, उनके पोएट्री अगर आप पढ़ेंगे तो उनके पोएट्री में आपको जगन्नाथपुरी का एक बहुत ही सुंदर चित्रण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये लॉर्ड जगन्नाथा का मंदिर है जो कि आपका पुरी में अवेलेबल है। ठीक है, यानी उड़ीसा का ही है, और उसके बाद पुरी का सी है या सी बीच है, उसके सुंदरता के बारे में भी उनके पोएट्री में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसका इमेज आप बना सकते हैं उसके पोएट्री से। स्मूथली यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ट्रूली। ठीक है, ट्रूली महापात्रा डिस्क्राइब्स नेचर, महापात्रा जो है वो नेचर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ब्यूटी ऑफ डाउन,
डाउन का मतलब होता है सुबह सुबह का टाइम, यानी भोर भोर का टाइम होता है, ठीक है। तो ब्यूटी ऑफ डाउन, ग्लोरी ऑफ मॉर्निंग, सेट मजेस्टी ऑफ इवनिंग एंड मैसिव एंड इम्प्रेसिव एक्सपेंशन ऑफ द सी इन हिज पोएम, ये कुछ चीजें हैं जिनको वो डिस्क्राइब करती है, सॉरी डिस्क्राइब करते हैं अपने पोएट्री में, ये सारी चीजों का पिक्चर वो बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, बिसाइड इन सब के अलावा वो ह्यूमन सिचुएशन की भी पोएट है, यानी इंसान की जो अलग अलग अवस्था होती है, कभी सुख का कभी दुख का, ठीक है, तो उन सब चीजों को भी वो अपने पोएट्री में लिखते हैं। ह्यूमन डिलेमा, डिलेमास का मतलब होता है दुविधा, असमंजस में, जब आप किसी दो बातों के बीच में आप फंस जाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो, जिसे हम लोग असमंजस बोलते हैं, उसे ही डिलेमास बोलते हैं, ठीक है, दुविधा, ठीक है। एंड प्रीडेसमेंट्स, इसका भी मतलब वही ह्यूमन सिचुएशन ही होता है, ठीक है, ये सिचुएशन ही होता है, तो वही ह्यूमन सिचुएशन और डिलेमास के भी पॉइंट है। जयंत महापात्रा ड्रॉस इमेज फ्रॉम नेचर, ये जो इमेज बनाते हैं वो नेचर से बनाते हैं। मोस्ट ऑफ हिज इमेज आर रिलेटेड टू डिके, उनका जितना भी, ठीक है, जो इमेजेस होता है वो किन किन चीजों से रिलेट होता है, डिके, डिके का मतलब होता है नाश या विनाश, डिजीज यानी बीमारी, डेथ, ठीक है, डेथ आपको पता ही है, मृत्यु यानी जन्म मृत्यु से रिलेटेड भी इनका जो होता है पोएट्री में इमेजेस होते हैं। डिस्ट्रक्शन भी होता है यानी तबाही। इट कैन बी नोटेड दैट इमेज इन हिज पोएट्री आर पेनफुल टोकन सजेशन, तो आप देख सकते हो कि इनका जो पोएट्री है उसमें जो इमेजेस बनाया गया, अगर उस इमेज को अगर आप रिलेट करोगे ना, तो वो आपको पेनफुल, पेनफुल का मतलब होता है व्यथा, दर्द, ठीक है, उससे संबंधित आपको मिलेगा। डिजीज, डेथ, मतलब डिस्ट्रक्शन, ये सब जो रिलेटेड होता है वो बहुत ही पेनफुल होता है, पोएट्री पढ़ोगे आपको दुख तकलीफ का एहसास होगा। ही इज डीपली इंटरेस्टेड इन पुरी, पुरी जो जगह है उन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ठीक है, और इसी कारण से इट इज अ लाइव प्रेजेंस इन हिज पोएट्री, ठीक है, आप पुरी का लाइव प्रेजेंस जो है आप देख सकते हैं उनके पोएम में, बहुत ही अच्छा उनका बखान करते हैं। सम रिलीजियस एलिमेंट आर फाउंड इन हिज पोएट्री, उनका पोएट्री में आपको कुछ रिलीजियस एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे। ही राइट्स सिंपल पोएम्स, वो सिंपल पोएम लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल पोएम लिखते हैं, ये जो पोएट्री लिखते हैं ना, पोएम्स जो इनका होता है वो बहुत ही सिंपल भाषा में होता है, ठीक है, वो कॉलोकल और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में होता है। कॉलोकल मतलब क्या होता है, कॉलोकल हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिंपल भाषा के लिए, यानी आम बोलचाल, आम बोलचाल जो होती है, लोग जिस मतलब ज्यादातर जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में ये भी लिखते हैं, यानी इनका पोएट्री आप आसानी से समझ सकते हो, ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में होता है, बातचीत के भाषा में होता है ये। अपने आंसर को बड़ा करने के लिए आप इनका रिवॉर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं, कि कौन कौन सा अवार्ड इनको मिला है, किस काम के लिए कब कब मिला हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण यहाँ पर ले लिया है, आप चाहे तो लिस्ट बना करके भी डाल सकते हैं जा करके विकिपीडिया से निकाल करके। फिलहाल मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा अवार्ड मत लिखिएगा, कुछ ही अवार्ड लिखिएगा जिसमें से आपको पता है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ठीक है, किस वर्क के लिए मिला था, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया, रिलेशनशिप के लिए मिला था और 1981 में इनको मिला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर इसको देखें तो रिसेप्शनिस्ट, यानी एक अवार्ड और है यहाँ पे, जेकब, ठीक है, गलस्तीन मेमोरियल अवार्ड है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एलन टेट पोएट्री प्राइज है। उसके बाद तो कुछ यहाँ पे मैं तो बोलूँगा कि इतना सारा आपको लिखने का जरूरत नहीं है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो कुछ अवार्ड मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इन सब अवार्ड को मेंशन कर सकते हो, इससे आपका आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये जो पीडीएफ है ना, इसे मैं अपना जो झारखंड पाठशाला जो मेरा ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आपको मोर बायोग्राफी चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए सेमेस्टर 2 का, तो अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा jpathshala.com में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की और भी जितना भी नोट्स है मैं जल्दी से जल्दी बना करके डाल देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचाओ, कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है मैं करा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट कीजिए। चलिए फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।